आप लोग भी मैसेज कर दें सब बच्चों को कि वो लोग आके ज्वाइन कर लें। अभी मोहम्मद रमजान आया क्लास में, एमन तारिक है, हुदा है, मोहम्मद सकलेन, नोमान आया है और हमजा भी आ गया, उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। बेटा आवाज अब सही आ रही है? बताएं मुझे, मैंने और करीब कर लिया, इसलिए कि पीसी का बिल्ट इन जो माइक है मैं उसको ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम होगी तो बेटा वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है आपकी तरफ, इसलिए कि मेरे पास तो अच्छी खासी स्पीड है, ठीक चल रहा है नेट, बाकी स्टूडेंट्स को सही आ रही है। नोमान क्या आवाज नहीं आ रही अभी तुम्हें? तुम्हें शायद आई थिंक प्रॉब्लम है तुम्हारी साइड पे शायद कोई, बाकियों को तो आ रही है। हाँ नुमान बेटा, तुम्हारे पास कोई इश्यू है इंटरनेट का तो देखो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरह की मीटिंग्स के लिए बेटा 3 to 5 MB जो है वो कनेक्शंस आपको चाहिए इंटरनेट का, ताकि ज़रा विदाउट एनी इंटरप्शन जो है आपकी क्लास हो सके। बेटा माइक मैंने जो है वो बंद कर दी क्योंकि ज़्यादातर चैट मैसेजेस ही आ रहे हैं, तो मैं बोलता रहूँगा आप लोग मैसेज करते रहें। सेकंड ये कि आप लोग अपने पास स्टूडेंट्स को मैसेज कर दो बेटा जल्दी के एक्टिव हो गई है हमारी मीटिंग और सिस्टम रिस्टोर हो गया। जैसे ही मैंने असल में रिकॉर्डिंग ऑन करी थी ना तो सिस्टम क्रैश कर गया। बस थोड़ा हम वेट कर लें, जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो हम काम कर लेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 से 3 मिनट और रुक जाएं। आइसोमेट्रिक का तुम्हें क्या कन्फ्यूजन है वो पूछो जल्दी से, अभी स्टूडेंट्स बस आ रहे हैं। मैं तुम्हारा माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मुझे ये कंफ्यूजन थी कि आइसोमेट्रिक के हमारे पास डायग्राम जो टास्क में दी हुई है हमें, उसमें थर्ड वाली जो व्यू है उसमें लाइक अगर हम लोग फ्रंट से देखते हैं किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो बैक एंड साइड की जो लेंथ है वो हमें मतलब शॉर्ट नजर आ रही है, तो मतलब उसकी डायमेंशन अगर हमें वहां पर नहीं दी हुई पिक्चर्स में तो हम लोग क्या करें? बेटा अगर डायमेंशन नहीं दी हुई तो आपको अजम्पशन करना पड़ेगी, वरना डायमेंशन गिवन होती है उसमें, डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन गिवन है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, वरना डायमेंशन गिवन है। लेकिन जब हम फ्रंट व्यू से उसको देख रहे हैं तो देन वो हमें लेंथ उसकी शॉर्ट नजर आ रही है। अच्छा, वो फ्रंट व्यू और राइट व्यू में थोड़ा बेटा फर्क हो सकता है देखने का, मगर उस पर जो लेंथ आप शो करोगे ना तो लेंथ वही होगी जो आप उस पर लेबल करते हो, चाहे देखने में आपको वो शॉर्ट नजर आ रहा हो। ठीक है, सही, ठीक है, ये पूछ रहा था। अच्छा बेटा, अपनी वीडियोस जो है वो आप डिसेबल कर देना, रिशाहिल भी आ गया, उसको भी मैं एडमिट कर रहा हूँ। और आपको दरमियान में कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप शुरू कर देना, मैं जो है अब डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि जो आज का लेक्चर है बेटा उसमें मैंने आपको जो असाइनमेंट के टास्क दिए ना उसकी उससे रेलिवेंट जो है वो मैं चीज़ें बताऊंगा। और ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है बेटा ये आपको मिल जाएगी, लेक्चर स्लाइड जो है वो आपको वेबसाइट पर, तो आप वहां से जो है इसको देख लेना। अब मैं जो है वो लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो बेसिक्स 3D जितनी भी सिंबल्स हैं वो ऑटोकैड के अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं, तो ये स्टार्टिंग जो स्लाइड्स है जैसे बॉक्स बनाने हैं तो बॉक्स का आपको यहाँ स्टेप नजर आ रहे हैं कि आपको 2 पॉइंट बताने, जैसे रेक्टेंगल के 2 पॉइंट बताते हैं इसी तरह बॉक्स का बताएंगे तो वो 3D में बन जाएगा इस तरह का बॉक्स। इसी तरह से डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे स्फेयर है, वेज है, टॉरस है, ये सब आप देख लेना इसमें, क्योंकि स्टेप्स बताए हुए मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। जो मेन जो चीज़ है ना स्लाइड के अंदर बेटा, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आपको कमांड्स बता रहा हूँ जो कि स्लाइड के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो ये सब आप खुद देख लेना ये इस तरह से कैसे बनाना है। ये पैरामीटर की कमांड भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बेटा मेन जो ऑपरेशंस है ना जो 3D के अंदर जो एडिटिंग में आते हैं वो यूनियन है, सब्ट्रैक्शन है और इंटरसेक्शन है। अब इन तीनों के नेम्स आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा मैं चेक कर लूँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई, ठीक है।
इनकी शॉर्ट की आपके सामने है, यूनियन का मतलब ये होता है कि जितने भी जो सेट्स हैं उन सबको इंक्लूड कर लो, ठीक है। अगर दो सेट्स को आपने मिलाना है, यूनियन इंटरसेक्शन आपने एलजेब्रा के अंदर पढ़ा है, तो उसमें दो नंबर्स को जब आप यूनियन करते हैं तो वो दोनों एक ही सेट का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड बेटा आप लोगों ने करना ये कि ऑटोकैड के अंदर भी हम दो डिफरेंट अगर 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको यूनियन की कमांड जब हम अप्लाई करेंगे तो वो यूनिट एक बन जाएगा, यानी पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो मर्ज हो जाएंगे एक ही के अंदर। तो मैं आपको जो है वो यूनियन सबसे पहले परफॉर्म करके दिखाता हूँ ऑटोकैड के अंदर। मैं एज ए आइसोमेट्रिक व्यू मैंने अपना चेंज किया है और यूसीएस जो है वो वर्ल्ड या टॉप एक ही बात है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, रैंडम डायमेंशन ले रहा हूँ उसकी, ठीक है, माउस के कर्सर से। और इसी तरह से मैंने एक सर्किल बनाया है यहाँ पर, और इस पर ये मैंने एक्सट्रूड की कमांड अप्लाई करनी है, और रेक्टेंगल की जो हाइट है वो हमने अंदाजे से रखनी है, कितनी, जरा मैंने ये ऑन कर लिया है तो हम रख देते हैं इसकी 10। इसी तरह से ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इस पर भी आप एक्सट्रूड की कमांड से, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, और इसकी हाइट रख रहा हूँ मैं 15, ठीक है। और मैंने जूम एक्सटेंड किया, मैं जो है इसको मूव करके यहाँ पर बिठा रहा हूँ, अब यहाँ दरमियान में कहीं भी बिठा दें इसमें देख के, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि दरमियान में हो सकता है मैं पीछे कहीं गलत बिठा दूँ, तो मैं इसको कंस्ट्रेंट ऑर्बिट की कमांड है वो रन करके इसके मिड पॉइंट पर बिठाऊँगा, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट आप अंदर कहीं भी इसको बिठा दें तो उस तरह से ये आप इसको जब यूनियन करेंगे। अच्छा बेटा अजान हो रही है, सिर्फ एक मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, क्योंकि ये बेदबी अजान की, तो थोड़ा सा हम पॉज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं माइक थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, जैसी अजान ख़त्म होगी तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। चले बेटा अजान ख़त्म हो गई है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यूनियन की कमांड। मैंने ये दो डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाए हैं 3D मॉडल के अंदर, और ये दोनों के दोनों जो है ये इस वक्त अलग है। अब मैं यूनियन की कमांड अप्लाई करूँगा, यूनियन के लिए UNI लिखना होता है, शॉर्ट फॉर्म है यूनी, और आपने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने एक साथ,
तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखें पूरा सॉलिड एक ही ज्वाइन हो गए हैं सारे के सारे जितने ऑब्जेक्ट से। तो जब आपने इसको ये सिलेक्ट किया है तो क्या कहते हैं आप ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, और जब आपने इसको ब्रेक करना होगा तो एक्सक्लूड की कमांड होगी बेटा, ठीक है, वरना आप अंडू करके वापस आ सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी। तो ये यूनियन की कमांड जो है वो इसको मिला देगी। इसी तरह से बेटा सेकंड कमांड है सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन की जो कमांड है इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है बेटा, मैंने आपको जो थ्योरी का बार बार बोला है, थ्योरी की चीज़ें ना बेटा आपको स्लाइड में मिलेंगी जो मैं लेक्चर सेल्फ रिकॉर्ड किए हुए मैंने बेटा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे यूनियन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, वो यहाँ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, कि जॉइंस टू और मोर सॉलिड्स इनटू क्रिएटिंग वन बेस्ड ऑन द टोटल ज्योमेट्री ऑफ ऑल। और सब्ट्रैक्ट कमांड क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट वन और मोर सॉलिड्स फ्रॉम अनदर। और इसी तरह से है क्रिएटिंग अ सॉलिड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग ज्योमेट्री, यानी आपने सब्ट्रैक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट को करना है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेन ऑब्जेक्ट में से आपके, और उसका जो ज्योमेट्री साइज शेप था वो शेप उस ऑब्जेक्ट में से डिजाइन क्रिएट करके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैं सब्ट्रैक्ट की कमांड से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और ये जहां तक इसके अंदर बैठा हुआ है, जहां तक ये कॉन्टेक्ट में है, तो बेटा जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहां तक ये अपनी बाउंड्री जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा अब एक क्या कहते हैं इतनी जल्दी ये 10 मिनट्स के अंदर मतलब मीटिंग खत्म होने वाली है, चले खैर हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे, मीटिंग को जैसी खत्म होगी मैं दोबारा रीज्वाइन करूंगा, आप सब दोबारा आना बेटा। सेकंड जो है मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की कमांड जल्दी से चलाऊं क्योंकि ये शॉर्ट सेशन है, कोई लंबा सेशन नहीं है। अब मैंने एसयू में बेटा सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर से सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मेन ऑब्जेक्ट आपका ये है, और सेकंड जब आप इंटर करके सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट तो आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने इसको सर्कुलर यानी सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया और इंटर किया, तो देखें ये कैविटी बन गई है। अब मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ जो कंस्ट्रेंट ऑर्बिट की कमांड से, देखें अंदर तक वहां तक कैविटी बनी है जहां तक ये बैठा था। अगर मैं इसको पूरा पीछे की तरफ यहाँ बेस पर इसको बिठाता तो ये पूरा होल जनरेट कर देता अंदर से, ठीक है। तो ये कमांड हो गई है सब्ट्रैक्ट की। इसी तरह से बेटा अब थर्ड कमांड है इंटरसेक्शन। सब्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया कि अगर 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग जो है वो 2 बचेगा जो भी है। इसी तरह से जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो कॉमन पार्ट है वो रह जाएगा बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो IN लिख के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ IN, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने ये इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया और मैं इंटर करूंगा तो आप देखते रहेंगे होगा क्या, सिर्फ वो पार्ट रह गया जो अंदर कॉन्टेक्ट में था। तो ये जो है 3D सॉलिड एडिटिंग के जो फंक्शंस थे वो मैंने आपको बताए आज के लेक्चर में। अब हम शिफ्ट करेंगे अपने असाइनमेंट्स की तरफ, जो मैंने आपको लेटेस्ट अभी असाइनमेंट दिए हैं मिड टर्म के बाद, उसमें जो 3D के टास्क हैं बेटा मैं उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो है मैंने आपको रिकॉर्ड तो कर लिया, ये आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, और मैं चाहूँगा थोड़ा जल्दी करें ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो बहुत ज़्यादा, कि लंबा लेक्चर हो गया ऑनलाइन, इतना लंबा लेक्चर पढ़ा भी नहीं आता। तो कोई सवाल हो तो बेटा आप लोग मैसेज कर देना मुझे दरमियान में, अब मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ आगे की तरफ। अच्छा बेटा जिनका नेट नहीं चल रहा, प्रॉब्लम हो रही है, उनके नाम तो मेरे पास हैं। रिशाइल का मैसेज आया, मैं जल्दी से नेम कॉल कर देता हूँ। अयान औरंगजेब है, अहमद तारिक है, हरीम फातमा है, हुदा नदीम है, मोहम्मद बिलाल है, मोहम्मद सकलैन है, मोहम्मद सुफियान, नोमान, रिशाहिल, ताहा यूसुफी, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद हमजा, ये लोग तो मौजूद हैं क्लास के अंदर मेरे, ठीक है। बाकी जो नहीं आया उसको बता देना भाई, वो ईमेल कर दे। हाँ वो नेट इशू हो रहा होगा, जो आवाज आपके पास प्रॉब्लम हो रही है वो नेट का इशू है। अब बेटा हम जाते हैं असाइनमेंट्स की तरफ, और असाइनमेंट जो मैंने आपको दिए थे बेटा उसमें ये वाला असाइनमेंट मैं आपको अभी इसको गाइड कर रहा हूँ, ये वाला आपने खुद बनाना है बेटा। ये ज्योमेट्री बना के ना आपने रिवॉल्व करनी है, रिवॉल्व की कमांड में लास्ट टाइम बता चुका हूँ आपको, फिर ये वाली ज्योमेट्री जो है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये प्लॉटिंग कर रहा हूँ और उसके अंदर डायमेंशंस कैसे लगानी है वो बताऊंगा। तो बेटा ये वाला जो 11 जो टास्क है आपका, इसके अंदर ये कि आपने दो सर्किल बनाने, ये जो आपको मग नजर आ रहा है इसके इसके अंदर दो सर्किल है, एक तो आउटर और फिर उसकी वॉल थिकनेस के साथ दूसरा। तो बेटा एक का रेडियस है 2 और जो 0.25 है बेटा वो ये वाला सर्कल है जिससे आपने हैंडल बनाना है कप का,
सिमिलरली आपने एक आर्क बनाना है 1.5 का, या यूनिट लिखे 1.5 तो आप 1.5 मिलीमीटर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आर्क है ये 1.5 है, इसकी टोटल लेंथ 3.5, रेडियस जो है वो 1.5 है। इसी तरह से ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसका अंदर वाला जो रेडियस है उसका 2 है, ये हाफ यानी 2 रेडियस है। और इसकी वॉल थिकनेस यहाँ पे बताइए कब की 0.1 यूनिट है, इसका मतलब है रेडियस में से 0.1 आप माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना दो सर्किल बनाते हैं, एक तो सर्किल जिसका रेडियस 2 होगा और एक सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस 1.9 होगा, क्योंकि कप थिकनेस जो है वो 0.1 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आ रहा हूँ बेटा 2D के अंदर, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे सर्किल मैंने ड्रॉ करना है, रेडियस इसका 2 है, इसी तरह से एक और सर्किल ड्रॉ करना है मुझे इसके यहाँ पर, और उसका रेडियस मैंने बताना है 2 में से 0.1 माइनस करें तो 1.9, ठीक है। अब हम आएंगे 3D व्यू के अंदर, एज ए आइसोमेट्रिक के अंदर बेटा, ये अंदर वाला जो सर्किल है इसको आपने 0.1 ऊपर मूव करना है जेड डायरेक्शन में। उसकी वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पूरा नीचे से भी उसमें होल आ जाएगा, बेस खत्म हो जाएगी, तो वो कप का फिर अलग से आप बेस लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने सिंपली पहले मूव करना है, मूव की कमांड से अंदर वाले सर्किल को सेंटर से पकड़ कर, ठीक है, और ऑर्थो का ऑप्शन आप ऑन करके 0.1 आप क्लिक कर दें। तो अब देखें, देखने में आपको नजर आ रहा है कि ये शिफ्ट हो गया, बाकी कंस्ट्रेंट ऑर्बिट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये शिफ्टिंग कर दी हमने, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब आपने ये याद रखना है कि अंदर वाला सर्किल सब्ट्रैक्ट करना है कप के अंदर से, तो बाहर वाला जो भी उसकी लेंथ आपने बतानी है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी अब मुझे हाइट बतानी है, हाइट मैंने बतानी है जो असाइनमेंट में लिखी है वो होगी 5 मिलीमीटर, ये रही हाइट इसकी, तो ये एक्चुअल हाइट है वो मुझे 5 ही बतानी है इसकी, और अंदर वाला जो सर्किल है उसकी हाइट में थोड़ी ज़्यादा रखूंगा ताकि उसको सिलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी हाइट में रखूंगा 6। तो जब मैं इसको जूम एक्सटेंड करूंगा बेटा, तो कंस्ट्रेंट में आप जाएं तो आपको ये दो सर्किल अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो अब आप जल्दी से सब्ट्रैक्ट की कमांड को रन करें, एस यू लिख के एंटर करेंगे, एस यू एंटर, और सबसे पहले बाहर वाला सर्किल आपने सेलेक्ट किया जो सॉलिड बनाया आपने सिलेंडर, और अंदर वाला अब इंटर के बाद आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप उसको एंटर करेंगे तो अब आप अंदर से देखें आपका जो मग है वो तकरीबन तैयार हो गया देखें, ठीक है। अब इसके बाद हम बेटा इसको 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट करके वापस से हम आएंगे फ्रंट के अंदर, क्योंकि जो हैंडल हमने बनाया है वो फ्रंट के अंदर बनेगा, तो हैंडल का जो कर्व है वो 1.5 रेडियस है। तो एक सर्कल यहाँ पे हमने बनाना है जिसका रेडियस है 1.5, और उसको ट्रिम करना है सेंटर से, यानी यहाँ से यहाँ तक हाफ, और फिर मैं उसको ट्रिम कर दूंगा और इसको मैं इरेज कर दूंगा अंदर वाली लाइन को। अब हमने एक सर्किल बनाना है छोटा, जिसकी डायमेंशन है जो कि हैंडल की थिकनेस है वो है 0.25, तो 0.25 रेडियस का आपने एक सर्किल बना लिया। अब इसको स्वीप करें, SWEEP, तो स्वीप की कमांड से इस पे एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपने आर्क बनाया है। तो अब आप 3D व्यू के अंदर वापस आ जाएं। अब प्रॉब्लम ये कि इसको आपने बिठाना है यहाँ पर, और बिठाने का तरीका ये कि यहाँ पे बताया है कि ऊपर से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करके उसके एंड पॉइंट पे बिठा दें जो आर्क आपने बनाया था सेंटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो आर्क हमने बनाया था वो इसके सेंटर पॉइंट में, तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ बिठाना है इस तरह से कि ये 1 की डायमेंशन में आ जाए। तो मैं लाइन बनाऊंगा और यहाँ पर मैं इसके कोऑर्डिनेट पे सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए, मैं जब कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पीछे वाली लाइन भी सिलेक्ट हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इससे बचने के लिए हम लोग कंस्टेंट की कमांड को रन करते हैं और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर देते हैं, और फिर हम देखें यहाँ पे आराम से देखें ये कोऑर्डिनेट पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, और मैं स्ट्रेट नीचे जाऊंगा और 1 की एक लाइन बना दूंगा, और एक लाइन में ऐसे इसलिए बनाऊंगा ताकि मैं यहाँ एंड पॉइंट सिलेक्ट कर सकूँ। और सिमिलरली अब आपने क्या करना है कि इसको मूव करना है जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है सेंटर पॉइंट से, ये मैंने इसको यहाँ से उठा लिया और इसके एंड पॉइंट पे मैंने बिठा दिया, ठीक है, ये लाइन मैंने इरेज कर दी। इसी तरह से मैंने ये वाली लाइन भी इरेज करनी है, और कॉन्सेप्चुअल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि आपका जो रिक्वायर्ड टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको घुमा के देख लें हर तरह से, तो देखें बिल्कुल परफेक्टली ज्वाइंट हुआ है, देखें सही है। और इस तरह से आप ये कप को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कप को थोड़ा सा अंदर की तरफ भी करना चाहें तो आप मूव करके कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वरना आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो मेन ऑब्जेक्शन जो सब बच्चों का है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है
कि सर हम इसमें डायमेंशन कैसे लगाएं। जैसे लेट से मैं इस 3D के अंदर रहते हुए यहाँ पे डायमेंशन लगाना चाह रहा हूँ रेडियस। अब देखें रेडियस तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा मगर रेडियस आता ही नहीं आता। ये देखें आप रेडियस कहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ से अपनी मर्जी से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आप डायमेंशन लगा रहे हैं यहाँ पे वो टॉप, यानी ये जो सर्किल है, अगर मैं टॉप से देखूं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ टॉप में एक डायमेंशन आ जाए, तो आप UCS को टॉप में कन्वर्ट करेंगे। और जो UCS की कमांड है, UCS 2 का टूल बार है, इसके अंदर बेटा सबसे पहले वाला जो फंक्शन है UCS, इसको क्लिक करेंगे। और जहाँ आपने इसको UCS को बिठाना है, जैसे मैं इस टॉप सर्फेस पर बिठाना चाह रहा हूँ, तो इसका सेंटर पॉइंट में सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखें UCS मूव करके आ गया, तो X और Y की पोजीशन में बाय डिफॉल्ट यही रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब मैं अगेन रेडियस की कमांड यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो देखें ये रेडियस आता है नहीं आता है। तो देखें अभी आराम से रेडियस आ रहा है जो हमें चाहिए था यहाँ टॉप पर। अब आप इसके जो टेक्स्ट स्टाइल है वो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके, मॉडिफाई स्टाइल में जाके आप ये चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये हाइट बतानी है, इसकी हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप बेटा राइट UCS पे आप कन्वर्ट करेंगे। और अब आप देखें लीनियर में जाके जब मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या ये सही डायमेंशन बता रहा है या गलत बता रहा है, देखें कहीं ये गलत आ रही है। तो आपको अगेन करना ये कि UCS आपने मूव करना है बेटा। दरमियान में अगर मीटिंग ख़त्म हो जाए तो टाइम अप हो जाएगा, मैं दोबारा से रिज्वाइन कर लूँगा, तो आप लोग आ जाना। तो अब देखें मैंने UCS को दोबारा रीडिफाइन करना है, एक्स ये रखना है मैंने और वाई जो है यही आएगा। बेटा ये सेकंड सेशन जो हमने कंटिन्यू किया है ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बस मैं आपके अब क्वेश्चन सुनना चाहूँगा जो मैंने अभी बताया इससे रेलिवेंट। तो ये जो मैं डायमेंशन आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप लोगों को डायमेंशन प्लॉट करना या लगाना नहीं आ रही है। तो बेटा पेपर एग्जाम के अंदर फाइनल जो असाइनमेंट होगा बेटा, फाइनल एग्जाम का 50 मार्क्स का, तो उसके अंदर बेटा आपको ये डायमेंशन प्लॉट करनी होंगी। तो इसलिए ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डायमेंशन वाले सेक्शन को आप समझ लें। तो जो मैं आपको राइट साइड पर हाइट जनरेट करके दिखा रहा था ये कप की, टी कप की, तो इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि पीछे कैंसिल हो गई थी दरमियान में। तो ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3D डायमेंशंस के अंदर आपने जब डायमेंशंस को प्लॉट करने, तो UCS की कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UCS आप टाइप करेंगे तब भी कमांड रन हो जाएगी। अब आपने माउस की मदद से, कर्सर की मदद से आपने UCS को वहाँ मूव करके लेके जाना है जहाँ पे आप डायमेंशन लगाना चाहते हैं, या उससे मिलता जुलता उस हाइट पर कोई भी सरफेस आप सेलेक्ट कर लें, तो उस सरफेस पर डायमेंशन लगना शुरू हो जाएंगी। बेटा बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, अभी अच्छे खासे लोग थे, अभी सिर्फ एमन आई है, हरीम आ गई है, मोहम्मद बिलाल है, मोहम्मद सुफियान है, नौमान है और रिशाइल है। तो बेटा मैंने फौरी कंटिन्यू कर दी है मीटिंग, इतनी देर क्यों लग रही है बाकियों को। और ये 40 मिनट्स तो मुझे लग रहा है ये जूम वालों ने इतनी जल्दी जो है वो कवर कर लिया, जबकि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी हुई वो तो 27 मिनट्स हो अभी, वो 40 मिनट्स कैसे होगा मीटिंग के, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो बाकी स्टूडेंट यार उनको बोलो जल्दी आ जाए। बस हार्डली 10 to 15 मिनट्स की और क्लास रह गई है, जल्दी जल्दी आ जाए। टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, इससे पहले 12-13 पार्टिसिपेंट्स थे, तो 2-3 स्टूडेंट्स और रह गए। चले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कंटिन्यू करता हूँ, अब वो दरमियान में आ जाएंगे तो ठीक है, वरना वो रिकॉर्डिंग देख लें क्योंकि आ ही गए तकरीबन बच्चे। ठीक है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऑटोकैड 3D के अंदर आपने डायमेंशन को प्लॉट करना है, तो सबसे ज़्यादा UCS की कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस सरफेस पर आपने डायमेंशन लगानी है
अगर आपने वहां पे यूसीएस मूव नहीं किया उस हाइट पर या उस सरफेस पर, तो जहां यूसीएस आपको अभी नजर आ रहा है ये वहीं से डायमेंशन को प्लॉट करना शुरू कर देगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपने यूसीएस को अच्छे से समझना है कि जिस सरफेस पर हमने डायमेंशन लगानी है उसके पैरेलल में, उसके अलाइनमेंट के साथ आपने यूसीएस को मूव करना है। जैसे मैं यहाँ हाइट दिखाना चाह रहा हूँ इस कप की, तो हाइट अगर मैं यहाँ से अभी सिलेक्ट करता हूँ ये लीनियर की कमांड से, तो ये आप खुद देखें मैं बता ही नहीं सकता। ये देखें अजीब सी पीछे की तरफ आ रही है क्योंकि यूसीएस जहाँ बैठा है ये पीछे दिखा रहा है आपको, तो ये डिज़ाइनिंग के अंदर ऐसी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता, फॉर्मेटी एरर है। तो इसलिए बेटा अब आप लोगों ने करना ये है कि यूसीएस मेरे साथ समझना है। तो यूसीएस या तो आप लिख कर सेलेक्ट कर लें, वरना यूसीएस 2 का जो टूल बार है उसके अंदर इसको क्लिक कर लें आप, ठीक है। तो एक ही बात है, जब आप इंटर करेंगे तो अब आपने वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे मुझे डायमेंशन जहाँ से लगानी है, जैसे ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लगानी है, और इसी तरह से स्पेसिफाई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने इस तरह से दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। अब सेंटर पॉइंट जो है वो सही सिलेक्ट होना चाहिए, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि मैंने बाहर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ दो सेंटर पॉइंट है, एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे आ रहा है। देखें ये दो सेंटर मार्क नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर वाला है जो पॉइंट वन ऊपर है और मैंने नीचे वाला सेलेक्ट करना है। और इसी तरह से वाई की लेंथ बतानी है मुझे ये यहाँ, ठीक है। तो एक अंदर आ रहा है और एक बाहर आ रहा है, तो बाहर वाला जो क्वाड्रेंट है आई हैव टू सेलेक्ट इट, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। और अब आप देखें यूसीएस आपका मूव करके कहाँ पर आ गया है, जहाँ आपने बिठा दिया अभी। अब यहाँ से आप लीनियर डायमेंशन अगर लगाएंगे तो देखें, और ये मैंने क्लिक किया, देखें बिल्कुल परफेक्ट जो डायमेंशन है वो वहाँ से लग रही जहाँ से हमें चाहिए था। तो अब मैं इसको कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं आपकी आसानी के लिए इसमें विजुअलाइजेशन के लिए बेटा मॉडिफाई में जाके ना इसकी हाइट वगैरह अपडेट कर रहा हूँ। तो हाइट अभी टेक्स्ट हाइट जो है वो 0.18 हो गई है, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो बना है 5 का बना है, तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। इसी तरह से सिंबल एरो साइज जो है वो भी मैं 0.5 कर रहा हूँ। और ये हिट एंड ट्रायल होता है, आपको ट्राई करके देखना होता है कि ठीक लग रहा है या इसको कम करना है, तो आप कम कर दें। अब टेक्स्ट के अंदर जाके बेटा जो टेक्स्ट स्टाइल है ना, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये क्लिक करके। तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि ये एरियल है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो मैं इसको चेंज कर दिया करता हूँ। आप बैंक गॉथिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, टाइम्स रोमन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और इसमें बैंक गॉथिक ढूंढ लें, मैं ढूंढ रहा हूँ, और आई थिंक वो पीछे निकल गया है। तो इस तरह से आप ये चेंज कर लेना, मैं ये इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। और क्लोज करके मैं ओके करूँगा, बाहर देखें आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। तो ये अगर डायमेंशन आपने हाइट बहुत ज़्यादा कर दी है तो आप इसको दोबारा रीएडजस्ट कर लें, बस मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। अब बेटा इसके अंदर एक जो और मैं डायमेंशन प्लॉट करना चाह रहा हूँ, वो डायमेंशन है इसकी ये यहाँ पे मैंने 2D वाई फ्रेम में आ गया। और जैसे हम ये वाली हाइट दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो बेटा अब मैंने यूसीएस को यहाँ से मूव करना है। और ये देखें ये वाला जो सर्किल, इसका क्वाड्रेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है और ये वाला क्वाड्रेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अब मैंने एक और पॉइंट बताना है, वो पॉइंट मैं बता देता हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में आना है देखें, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे लीनियर डायमेंशन जब इसकी हाइट दिखाऊंगा तो बेटा वो बाहर की तरफ आएगी, तो मैंने यहाँ से इसको अब लीनियर सेलेक्ट करना है। और इसका ये क्वाड्रेंट पॉइंट सेलेक्ट किया और ये क्वाड्रेंट पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको बाहर जो है वो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये 3.5 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने 0.25 का एक और सर्किल बनाया, वरना अंदर से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो तो वही होगी ना जो हमने 1.5 रखी है, 3 रखी है, जो भी असाइनमेंट में गिवन है। तो ये मैंने टॉप साइड से आपको एक आइडिया दिया है कि डायमेंशन आप किस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि ये जो अंदर वाला बेस है इसका रेडियस भी बताया जाए, भाई हमने इतना तो कर दिया तो आप ये भी करके दिखाएं। तो बेटा हमें यूसीएस जो है हमें सेलेक्ट करिए कमांड, मैंने ये क्वाड्रेंट पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और सेंटर पॉइंट में इसी का सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और वाई के लिए मैं वर्टिकल में कहीं भी क्लिक कर दूं, कोई इशू नहीं है। सॉरी ये देखें गलत हो गया, क्योंकि मैंने गलत पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मैंने जूम करने की कोशिश ही नहीं करी। तो अब मैं दोबारा से यूसीएस की कमांड रन करूँगा और ये क्वाड्रेंट पॉइंट सेलेक्ट किया और ऊपर वाला करना है सेंटर मार्क, ये कर लिया। और इसी तरह से हम
यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी देखते हैं कहीं मैंने गलती, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी है बेटा, ये जो सर्कल है ये टॉप साइड से अगर आप देखेंगे तो इसकी डायमेंशन टॉप यूसीएस के अंदर मूव करेगी, तो जो वाई की डायरेक्शन है ना वो जेड की जगह पे आनी चाहिए, जैसे आपको जेड अभी नजर आ रहा है। तो मैं अगेन इसको यूसीएस को यहां से सिलेक्ट करके एक्स तो मेरा यही रहेगा, वाई जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने एक्स और वाई अब सही पोजिशन पे बता दिए, अगर मैं टॉप यूसीएस यहाँ से सिलेक्ट करूंगा बेटा वो स्टैंडर्ड अपनी जगह पे चला जाएगा, तो वहां से तो मुझे डायमेंशन नहीं लगानी है, मुझे तो इस सरफेस पे लगानी है। तो बेटा मैं रेडियस की कमांड सेलेक्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये डायमेंशन लग जाए मेरे से, और ये लग चुकी है डायमेंशन, हम यहाँ कहीं रख देते हैं ताकि देखने में सही लगे हमें। तो अब आप खुद देखें कि ये डायमेंशन 3D के अंदर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल पे सेलेक्ट करके मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा ब्राइट कलर नज़र आया हमें, जैसे येलो कर दिया मैंने, येलो कलर भी अच्छा लग रहा है। इसका हैंडल जो है वो चाहे तो आप रंग बिरंगा कर दें, कलरफुल कर दें, जो ख़वातीन होती हैं उनको कलरफुल बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, और जो जेंट्स हैं उनको ज़्यादातर सादगी पसंद है, तो इसलिए ये इस तरह से होता है। बाकी ये जो आपको डायमेंशन जो उल्टी नज़र आ रही है तो इसको आप फ्लिप कर दें, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा जो एक्स और वाई है वाई उधर कर दें और एक्स इधर कर दें तब भी ठीक हो जाएगी, जैसे मैं अभी दोबारा इसको रीडिफाइन करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब येलो तो मैंने कर दिया मगर अब मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए बेटा मैं वापस से जो है वो बाई लेयर पे जाऊँगा, ब्लैक करूँगा और यूसीएस जो है दोबारा से देखें यहाँ चेंज करता हूँ मैं, ये ऊपर वाला मैंने सर्कल सेलेक्ट करना है, नीचे वाला नहीं। अच्छा सेंटर पॉइंट कहाँ चला गया, सेंटर पॉइंट CN अगर आप लिखेंगे तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये आ गया, ऊपर जाऊँगा तो ये आ गया, ठीक है। ये मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक सेलेक्ट कर लिया और मैं Y जो है वो ये रखता हूँ, और अगेन मैं अब इसको डिलीट करके यहाँ पे रेडियस जो है दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए रेडियस बिल्कुल सही आ रहा है, पहले उल्टा आ गया था क्योंकि वो वाई आपने इधर की तरफ बता दिया था, तो बेटा इसका ख्याल रखने कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये, तो अगर कभी उल्टा लिखा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि एक्स या वाई आपने रॉन्ग डायरेक्शन बता दिए, तो उसको अपोजिट कर दें, इस तरह से आपकी डायमेंशन जो है वो सही हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा, और इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग, ये अच्छी बात है पार्टिसिपेंट्स अच्छे हो गए आज, अयान, औरंगजेब, एमन, तारिक, हरीम, फातमा, हुदा, नदीम, एम शहूद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद सुफियान, नोमान अहमद, रिशाहिल खान, तहा यूसुफी और मोहम्मद रमज़ान है, शहबाज खान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना मैं मीटिंग फिर बंद कर देता हूँ। बेटा माइक अनम्यूट कर दिया, अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले वरना मैसेज टाइप करने टाइप कर दें, माइक मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप लोग कर लें भाई। अयान कुछ पूछना है, मैसेज कर दें अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, ठीक है। नोमान कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बेटा मैं मीटिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। आप लोग बेटा ये अभी टाइम पर असाइनमेंट कर लें जितने मैंने बताए, इससे पहले पहले